आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी वेबसाइट्स के बारे में बताऊंगा जो आप बिल्कुल नहीं जानते और बहुत ही जबरदस्त और अमेजिंग वेबसाइट है। इतनी खास यूजफुल नहीं आपके लिए, बस आप कह लेंगे अमेजिंग वेबसाइट है, जिसमें से 3 तो जबरदस्त है और जो 2 है वो ऐसी नॉर्मल वेबसाइट है, लेकिन आप इन वेबसाइट्स के बारे में बिल्कुल नहीं जानते। तो आइए चलिए देखते हैं वो कौन सी वेबसाइट है। ठीक है, नंबर वन पे जो मेरे पास वेबसाइट है वो है hackertype.net। ये वेबसाइट बहुत ही अमेजिंग है। अगर आप एक हैकर वाली फीलिंग लेना चाहते हैं, एक हैकर वाला इंटरफेस देखना चाहते हैं, तो आप इस वेबसाइट पे कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक हैकिंग, हैक एनीथिंग, लाइक अगर आप कोई वीडियो बनाना चाहते हैं हैकिंग पे, तो आप इसी तरह एक हैकर का इंटरफेस ले सकते हैं। और बहुत ही अमेजिंग वेबसाइट है अगर आपने इस तरह का इंटरेस्टिंग थिंग्स करनी है। यहाँ पर सेटिंग भी है और डिफरेंट चीज़ें भी है, आप कलर चेंज कर सकते हैं इस वेबसाइट में, रेड कर सकते हैं, ब्लू कर सकते हैं, एनीथिंग एल्स। अगर आप कोई वीडियो बना रहे हैं हैकिंग पे, तो आप इसका इंटरफेस यूज करते हैं। बहुत ही अमेजिंग और जबरदस्त वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पे बिकम अ रियल हैकर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम क्लोज करते हैं बिकम अ रियल हैकर और स्पेशलाइजेशन एनीथिंग एल्स। नंबर 2 पे जो हमारे पास वेबसाइट है वो है लाइव साइबर अटैक। ठीक है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी जगह पे कैसे लाइव अटैक परफॉर्म हो रहा है। जैसे कि देखिए, यूनाइटेड स्टेट से कनाडा पे अटैक परफॉर्म हो रहा है और सबसे ज्यादा यूनाइटेड स्टेट से कनाडा पे अभी तक अटैक परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, कैलिफोर्निया से नटे मैक्सिको और भूटान। और अगर हम यहाँ पर बात करें पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान का प्रॉपर डाटा अवेलेबल बिल्कुल नहीं है। और अगर हमको रशिया बहुत ज्यादा अटैक परफॉर्म करता है, लेकिन एनीथिंग एल्स की भी एक बहुत ही अमेजिंग वेबसाइट है जो कि आपको लाइव अटैक परफॉर्म दिखाती है कि कहाँ पर लाइव अटैक हो रहा है और कितना हो रहा है। ठीक है, नंबर 3 पे जो हमारे पास वेबसाइट आती है वो है द रीसेट पेज, और ये आपको एक रोबोटिक इंटरफेस देती है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि कैसे आप एक ओल्ड जो रोबोटिक इंटरफेस था यूज करते हैं। जैसे कि मैं आप इसको रिस्टार्ट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर एक विंडोज XP का रिस्टार्ट शटडाउन आता है और बहुत ही अमेजिंग आता है, जिसमें आपने अभी आवाज भी सुनी, ये बहुत ही अमेजिंग आपको ओल्ड वर्जन महसूस करने को मिलते हैं। ठीक है, और भी इसके अंदर अमेजिंग ओल्ड वर्जन के शटडाउन है और बहुत ज्यादा चीजें हैं। ठीक है, नंबर 4 पे जो हमारे पास वेबसाइट है वो एनीथिंग एल्स किसी फायदे की नहीं है, बस नॉर्मली अगर आप काम करके थक चुके हैं, कोडिंग करके थक चुके हैं और थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहते हैं, तो आप इस वेबसाइट को बता सकते हैं कि आप फ्रस्ट्रेशन है, लाइफ से है, लाइफ फ्रस्ट्रेशन, तो ये वेबसाइट आपको रिलैक्स करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन देगी और विद इन 1 मिनट आपको एक रिलैक्सेशन फील कराएगी। रिलैक्स एंड वॉच योर थॉट्स, अपने थॉट्स को सोचिए। और बहुत ही अमेजिंग वेबसाइट है, अगर आप कोडिंग करके बिल्कुल थक चुके हैं तो आप इसका साउंड सुन सकते हैं, अमेजिंग है और जबरदस्त है। ठीक है, और नंबर 5 पे जो हमारे पास वेबसाइट आती है वो है SoftMurmur। ये बहुत ही अमेजिंग वेबसाइट है, और अगर मैं इस वेबसाइट को बंद करूं यहाँ पर, और अगर इस वेबसाइट को, अगर आप यहाँ पर भी काम थक चुके हैं, ये भी कोई फायदे की वेबसाइट नहीं है, लेकिन बस नॉर्मली अगर आप यहाँ पर कुछ साउंड सुनना चाहते हैं, रिलैक्स साउंड सुनना चाहते हैं, तो आप सुन सकते हैं। जैसे कि रेन का साउंड है, अगर हम यहाँ, ये रेन का साउंड है, इसके बाद यहाँ पर थंडर है, बहुत ही अमेजिंग साउंड है, हवा का है, विंड है, फायर है, ये फायर का साउंड आप सुन सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग वेबसाइट है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं किसी भी पर्पस के लिए। ठीक है, और अगर हम इसमें बैक आए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर हम बैक पे हैं और यहाँ पर आपको विंडोज शटडाउन के और भी कुछ फीचर्स देखें, तो हम यहाँ पर करते हैं रीस्टार्ट, और इसको एप्पल वाले को, एप्पल का जो पुराना फीचर है उसको रीस्टार्ट करके देखते हैं वो कैसा लगता है। और ये उसका एक रोबोटिक इंटरफेस है, और एक ही बहुत जबरदस्त है। और ऐसे ही अमेजिंग वेबसाइट और हैकिंग नॉलेज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।